What's Up TV brings to you the very talented actor Rafi Malik, also known as Rama, from Tere Sheher Mein, who is sharing his experience of giving auditions. मेरा फर्स्ट ऑडिशन जो था वो एक कमर्शियल के लिए था और काफ़ी फनी एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं इस परसेप्शन के साथ आया था कि मुझे एक्टिंग आती है और मॉडलिंग बैकग्राउंड की वजह से तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी था. जैसे ही मैंने देखा लोगों को क्या ये कर रहे हैं तो मुझे लगा अच्छा, तो इसमें ज़्यादा डायलॉग भी नहीं थे और एक खाली हैंड मूवमेंट्स लेने थे और जेस्चर लेना था कि बाइक खड़ी है और मैं बाइक को रिपेयर कर रहा हूँ. किसी बाइक के ऐड के लिए था और बाइक को रिपेयर कर रहा हूँ और लुक देना है, एक पर्सन आएगा उसको लुक देना है, वो इतना ही था. सोचिए उसमें डायलॉग भी नहीं था और वो फर्स्ट ऑडिशन था और इतना गंदा गया था ना. और उसके बाद में एकदम मेरी आंखें खुल गई थी कि नहीं रफ़ी, तुमको बहुत मेहनत करनी है. और फिर मुझे पता चला था कि कोई एक्टिंग सीखा हुआ नहीं होता और स्टेप बाय स्टेप आपको एक्टिंग आती जाती आपको उसको वर्क करके और पॉलिश करना होता है. और एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो कभी सीख ही नहीं जाती. तो वो जो इतना फ़नी था कि कम से कम 4 या 5 टेक हुए थे. उसके बाद मुझे जो बंदा ऑडिशन ले रहा था उसने बोला था ओके डन, बट मुझे मालूम था ओके नहीं मिला और मैं वो जेस्चर ही नहीं दे पाया, मतलब उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाया कि बाइक खड़ी है और उसको वहाँ पे जो उसका नट बोल्ट है उसको ठीक करना है और उसको निकाल के रखना है. तो एक बॉडी मेरी फ्रीज हो गई थी एंड वो एक ऑडिशन था जिसने मेरी आँखें खोली कि नहीं यार, इट्स नॉट अ ईजी जॉब टू डू. तो वहाँ से फिर मैंने एक अलग ही लेवल देखा और मेहनत करना स्टार्ट किया. और एक पॉइंट तो ऐसा आया था उस ऑडिशन के बाद, मुझे लगा कि नहीं यार, मॉडलिंग ही सही है, मैं एक्टिंग के लिए शायद मे बी नहीं बनाऊँ. तो एक्टिंग छोड़ के वापस मॉडलिंग करते. लेकिन फिर कहते ना, एक दो दिन जब मैंने अपने आप को टाइम दिया, सोचा वो क्या, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आई हैव टू डू इट. किसी चीज़ से भी बैकआउट करना अच्छा नहीं होता. मेरा फर्स्ट ऑडिशन वो भी कमर्शियल के लिए क्रैक हुआ था और वो था सोसाइटी टी के लिए. एंड सोसाइटी टी का ऑडिशन जो मैंने दिया था, तो वो मेरा ऑडिशन, मैंने ऑडिशन टेप दिया था किसी और चीज़ के लिए और एक कास्टिंग डायरेक्टर है जो कि उसका प्रोडक्शन कंपनी भी है, तो उसको मेरा ऑडिशन पसंद आया था. उसने वो ऑडिशन जो दूसरे का लिंक था वो कहीं और भेजा उसने और उन्होंने उस लिंक के बेसिस पे मुझे फाइनल किया था. तो उसके बाद हमने शूट किया और वो पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे शूट होता है, ऐसे ट्रीटमेंट होता है. फिर धीरे धीरे करके एंड विद इन आई गेस 4 या 5 मैंने ऑडिशन वगैरह दिए होंगे और जिसमें से 3 महीने मैंने सिर्फ कमर्शियल के ऑडिशन दिए थे, जिसमें से 3 कमर्शियल एज लीड किया था. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. फिर मैंने सोचा कि चलो अब कमर्शियल काफ़ी हो गए तो अब टीवी की तरफ रुख किया जाए. डिफरेंस मुझे तो मतलब कहने को है, अगर बहुत फाइन डिफरेंस हो और डिफरेंस नहीं भी हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सिर्फ परसेप्शन का खेल है. क्योंकि एक्ट जो होता है, एक कमर्शियल होता है, तो उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सा छोटा सा एक्ट होता है जो कि आपको अपने तरीके से करना होता है, चाहे कोई सा भी कमर्शियल हो, तो उसमें आपको हर तरीके से. लेकिन जब सीरियल का ऑडिशन होते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, या ये कैरेक्टर की डिमांड है या ऐसा कुछ है, तो उसको डिफरेंटली तैयार करना होता है. और इसमें इमोशनल स्क्रिप्ट भी होती है, फिर एग्रेसिव भी होती है, रोमांटिक भी होती है, तो काफ़ी वेरिएशंस होते हैं. स्टेप बाय स्टेप आप जैसे फॉलो करते जाते हैं या ऑडिशन क्लियर होते जाते हैं, तो वो आपको डिफरेंट वेज में टेस्ट करते हैं कि अभी अच्छा ये लुक है, अभी वो लुक है. तो उसमें थोड़ा जो सीरियल वाला है वो काफ़ी टफ होता है, जो उसके प्रोसीजर्स भी होते हैं, तो आई गेस कमर्शियल वाला ज़्यादा ईजी होता है. देखिए, मैं ना थिएटर बैकग्राउंड से हूँ और ना ही मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस ली हैं, और जो मेरी फर्स्ट स्टेप रही है वो कमर्शियल ऑडिशंस और सीरियल ऑडिशंस ही रहे, जो कि 4-5 महीने में मैंने इतना कुछ सीखा है. और मैंने इतने ऑडिशन, ज़्यादा ऑडिशंस नहीं दिए, बट जितने ऑडिशन दिए उससे मेरा एक चीज़ तो बढ़ी है, कॉन्फिडेंस लेवल और लोगों को देख देख के चीज़ें सीखना कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा वैसे होता है, फिर उस चीज़ को अपने तरीके से करना है, उसको अपने अंदर ढालना. तो वो मुझे काफ़ी एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी बढ़ी और मुझे लगा कि नहीं यार, जब मैंने चीज़ों को ग्रास्प करना शुरू कर दिया था तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ. तो फिर मैं भी थोड़ा एक इनोवेशन के साथ कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने लगा और थोड़ा अपना इनपुट देने लगा उन चीज़ों में. तो वहाँ से फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हुई थी कि अच्छा मैं कर सकता हूँ. तो वहाँ से एक पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर और फिर वहाँ से चीज़ें मैंने स्टार्ट करना. ऑडिशन देने जब जाते हैं तो क्या होता है ना, यूजुअली हम लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं जब एक स्टार्ट होता है करियर का, तो आप दिन भर में 2-3 ऑडिशन देते ही हैं.
तो जब वो दो तीन ऑडिशंस देते थे तो धूप पसीना और मतलब एक वो होता है, एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए आदमी को जब वो ऑडिशन देने जाता है, एक प्रेजेंस होनी चाहिए उसकी। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट थिंग आती है वो होता है कि आप लोगों को वहाँ पे कैसे ट्रीट करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बॉडी जेस्चर होता है वो सब बताता है। और उसके बाद जो थर्ड और मेन चीज़ आती है कि आप अपनी स्क्रिप्ट अपने अंदर बिठा लीजिए और उसको इतने बार रिहर्स करिए कि आपको बाय हार्ट हो जाए ताकि आप उसके साथ प्ले कर सकें। क्योंकि जब आपको स्क्रिप्ट बाय हार्ट हो जाएगी तो आई थिंक सो आप छोटी छोटी चीज़ें भी उसमें फिर ऐड करने लगते हैं। तो मेरा तो यही मतलब है, आप जो जितना स्क्रिप्ट को रिहर्स कर सकें उतना अच्छा है, और जितना अपने आपको टाइम दें, जितना उसको अलग अलग तरीके से करें, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोगों को लगता है कि हमारा जो काम है वो बहुत ईजी है, जबकि उनको पता नहीं है कि मूवी से ज़्यादा टफ काम होता है सीरियल्स में, क्योंकि रोज़ डेली के 12 घंटे आपको शूट करने ही होते हैं। और जब हम लोग नए नए आते हैं तो एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेशन लेके आते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव वे में अच्छा होता है कॉन्फिडेंस के तौर पे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पे देखा जाए तो थोड़ा गलत हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम ऑडिशन देते देते थक जाते हैं या ऑडिशन हमारा क्लियर नहीं होता या हो जाता है और फिर बाद में हम लोग को ड्रॉप कर दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि फिर सामने वाला डिप्रेस होने लगता है। तो मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, जो आप अपना एक फोकस लेके आए हैं या फिर जो आपका एक माइंड में टारगेट सेट है, आप उसकी तरफ स्लो भी बढ़ेंगे तो बढ़ें, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उसको मेंटेन रखें। ऐसा ना हो कि वो स्पेस बढ़ जाए तो आप एकदम पीछे रह जाएं या गिर जाएं। तो मैं बोलता हूँ आप जो स्पीड से बढ़ रहे हैं उस स्पीड से बढ़ें, उस चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं लें कि स्लो प्रोसेस है या आपका कुछ काम नहीं बन रहा है। इट्स जस्ट आपका हार्डवर्क एक ना एक दिन ज़रूर पे करेगा, बस आप उस चीज़ पर ध्यान रखें और डिप्रेशन में नहीं जाएं और उस चीज़ को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बढ़ जाए, बाकी कॉन्फिडेंस रखें। Ravi, keep up the good work and we wish you best of luck for your future projects. Neha Sawant, Cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Hiva Nawab and you are watching me on India Forums, and you can subscribe on WhatsApp TV.